नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। लोक जनशक्ति पार्टी का जो सिंबल है बंगला, उसे फ्रीज कर दिया, जब्त कर लिया। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी चिराग पासवान के लिए, क्योंकि चिराग पासवान ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था कि वह इन दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन जो ये ऑर्डर जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी का जो सिंबल है बंगला, लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है बंगला छाप, वही लोजपा जिसकी स्थापना रामविलास पासवान ने सन 2000 में की थी, अब उसके बंगले पर ग्रहण लग गई है। चुनाव आयोग ने उसे फ्रीज कर दिया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जब पटना पहुंचे, तो उनका कहना है कि उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन से कहा था, क्योंकि लड़ाई लंबी चलनी है। लोजपा 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, चिराग पासवान का गुट अलग था, पशुपति पारस का गुट अलग था। तो जब तक ये लड़ाई चल रही है, मामला कोर्ट में भी जाना है, कोर्ट में गया भी है, तो ऐसे में इस चुनाव चिन्ह को फिलहाल किसी को न दिया जाए। क्या कुछ पशुपति पारस कह रहे थे पटना पहुंचने के बाद, जरा सुनिए। आपका चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है, 5 तारीख को समय दिया है, ये क्या हो रहा है? मेरा चुनाव चिन्ह नहीं किया है, क्योंकि आपस में विवाद था और चिराग पासवान जी अपना उम्मीदवार घोषित किए, हम लोग तो NDA के पार्ट हैं। मैंने ही चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया था कि जब तक आपके कोर्ट से फैसला नहीं होता है, तब तक ये सिंबल, लोजपा का सिंबल किसी को आवंटित नहीं किया जाए। सर, आप चुनाव के लिए जाएंगे पूरी ताकत के साथ जाएंगे, हमारी पार्टी पूरे लगन और निष्ठा से हम लोग दोनों लोग विधानसभा में जाएंगे। हम थैंक यू। तो चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने ही चुनाव आयोग से ये दरखास्त की थी, ये आग्रह किया था कि जब तक लोजपा किसकी है इस बात का चयन ना हो जाए, ये बात तय ना हो जाए, क्योंकि मामला न्यायालय में पहुंचा हुआ है, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। चिराग पासवान भी इस बात को दोहराते हैं। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है, फ्रीज कर दिया है लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल को, चुनाव चिन्ह को, बंगला छाप को अब जब्त कर लिया है चुनाव आयोग ने। अब देखना ये होगा, देखिए बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, हम बार बार इसी बात को कर रहे हैं। पशुपति पारस ने भी कहा है कि हाँ वो प्रचार करेंगे, घूमेंगे, यानी कि वो NDA खेमे के लिए प्रचार करेंगे, और चिराग पासवान इन दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि फिलहाल तो प्रत्याशी उतारेंगे तो कोई पार्टी भी नहीं है, और पार्टी का जो नाम है उसका भी इस्तेमाल करना है, लेकिन सिर्फ पेरेंट नेम पर, मतलब उसको कह सके तो पार्टी के नाम के आगे कुछ अलग से उसकी लाइन जो है वो लगानी होगी। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में जब चिराग पासवान अपने दोनों ही प्रत्याशियों को उतारते हैं, क्या कुछ सिंबल मिलता है। और फिलहाल चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया नहीं बाकी है इस पर, वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन बखेड़ा तो खड़ा हो गया है, अभी तो शुरुआत हुई है, देखिए आगे आगे और क्या कुछ कहानी नया मोड़ लेती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।